पेपर जिन बार जो कम जज थी चुको आयो पंजे वापस पंजे स्टॉलेंट ते हो जन उन के हेडा होडा मूव करने की जरूरत ना है तदी ऊपर मेरी घर में भी
अंदर जनी अधर
तमाम हिकड़ो सरप्राइज हुयो आई मु सोचो त ये तमाम सबनी जे यार जरूर शेयर कर खपे असां वटि रिवायत हूंदी आहे त पंहिंजे आयल महिमाननि खे मान ॾियण जे लाइ सुखड़ी ॾींदा आहियूं पंहिंजी सिंध जी सिंध जी सुखड़ी असां वटि मौजूदु आहे अजरक ऐं गुलनि जो तोहफ़ो आहे मां सर शाहजा पवन खे गुज़ारिश कंदसि त पाण स्टेज ते अचनि ऐं जीअं ई मां नंबरवार महिमाननि खे सॾींदी थी वञा तीअं उन्हनि खे अजरक ऐं गुल डॉक्टर इशाक अंसारी साहब जेके हनीस अंसारी अकेडमी जा पाण सेक्रेटरी आहिनि तव्हांजे भरपूर ताड़ियुनि में असांजी डॉक्टर जबीन साहिबा असां वटि ख़ासि महिमान थी आई आहे
ये सेफ प्रोजेक्ट या एग्जीबिशन जो है उन तमाम सेफ प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है, एक ही हम इनॉग्रेशन करा चुके हैं और बाकी कुछ जो है वो तकमील तक पहुंचने वाले हैं, जिनकी तफसील जो है जब हमारा ये फाइनल जो है डिस्प्ले होगा मेहरान यूनिवर्सिटी में तब हम पेश करेंगे। और मैं SIOP मेहरान HEC की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे और मुफीद काम में लगा दिया। और जो ऐसे मुफीद काम जिनकी जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबल लेवल पर है और अब हम भी UNO का हिस्सा है, क्योंकि SDGs जो UNO ने डिज़ाइन किए हैं 17, अब हम उनको भी जो है पूरा करने जा रहे हैं और हम भी उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहाँ पर दुनिया के तमाम ममालिक खड़े हुए हैं। और हमें इस बात की गर्व है कि एक छोटी सी कोठरी में रहते हुए हम UNO तक जो है हमारी पहुँच जो है वो जा सकती है। अगर उन तक हमारा पैगाम पहुँच जाए और वो हमारे पैगाम को सुन लें तो उनको भी यकीनन खुशी होगी कि पाकिस्तान के एक छोटे से सूबे सिंध में कोठरी का शहर जो है उनके SDGs को किस तरह कंप्लीट करने के लिए सरगर्म अमल है। और मुझे तो अभी महसूस होता है कि ये जो SDGs हैं अभी हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा बन चुके हैं। और ये असल में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी अब ये कंटिन्यू ही रहेंगे, विल नेवर स्टॉप, विल कंटिन्यू इट। एंड टुगेदर इसके साथ साथ जो विजन 2025 पाकिस्तान, ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिज़ाइन किया हुआ है और ये भी उसी को फॉलो कर रहा है जो SDGs हैं। और हमारा टारगेट जो है पाकिस्तान का वो 2025 है, जबकि UNO ने जो हमें टारगेट दिया है वो है 2030। अब ये देखना है कि हम सब मिलकर उन गोल्स को किस हद तक अचीव करते हैं। और इस तमाम काम के लिए मैं अपनी साथी मिस हमीदा, मिस सोबिया और मिस सायरा भी इस प्रोग्राम में शामिल थी और मिस सफिया, और मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर वक्त हर कदम जो है हमें इनकरेज किया और हमारे साथ मुकम्मल उन लोगों का ताउन जो है वो शामिल रहा। और उनकी हौसला अफजाई थी जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें तमाम स्टाफ मेंबर्स सिर्फ ना सिर्फ टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। और उसमें मेरे लेबर असिस्टेंट से अब्दुल रजाक और मिस शैला, इन लोगों की भी कंट्रीब्यूशन को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर आप बिल्कुल सभी सिद्दीकी और उनकी तो हम इंतहाई मकबूल है। मैडम मुझे आपकी हेल्प की आइंदा भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, अभी टाइम पड़ा है तो ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये SDGs गोल अगर हम देखें तो इस SDGs गोल ने दुनिया के तमाम मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद कर दिया है और वो अपने मज़हब, अपनी कौमियत और अपनी नस्लों का जो फ़र्क है वो भुलाकर इसको हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम किस हद तक कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें एक मकसद में कामयाब होने के लिए हिम्मत अदा करें और हमें नए आइडियाज जो है मिलते जाएं और हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और हम उन तमाम मकासद को हासिल कर लें जिनके लिए सारी दुनिया जो है कोशिश कर रही है, ताकि हम इस ज़मीन को अमन, सुकून और एक ऐसी जगह बना सकें जहाँ पे तमाम इंसान जो है खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ और सुकून के साथ जो है रह सके और हम इसको हर किस्म के हैज़र्ड से, खतरात से बचा सकें, ताकि
हमारी आने वाली नस्लें ये ना कहें कि हमसे पीछे जाने वाले लोग हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। शुक्रिया बहुत। हाणी वक्त आहे त जेको ॿारनि कमु डिस्प्ले कयो आहे उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे जेको कुझु आहे पर्से खे न वठणु प्राइज़ जेको उन्हनि खे मिलणु खपे, पर त हीउ जेको अवार्ड ॾिना था वञनि इहो असांजे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे त अनीस अंसारी अकेडमी जेके आहिनि शील्ड्स अरेंज कयूं आहिनि इन्हनि ॿारनि खे आनर ॾियण लाइ तमामु घणी ऐं तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। कयूं आहिनि पर कराची खां कई हिते पाण आया आहिनि, पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी आया आहिनि, रियली असांजे लाइ तमामु वॾो आनर आहे। त हाणे मां सर सईद बगी साहब खे गुज़ारिश कंदसि त जेके रिज़ल्ट तयारु आहिनि त उहे अची रिज़ल्ट अनाउंस कनि, ऐं उन सां गॾु सर सईद साहब खे मां गुज़ारिश कंदसि त जेकॾहिं ॿारनि खे कुझु सजेशन्स, पाण बेसिकली आर्टिस्ट आहिनि, जेकॾहिं आर्ट जे हवाले सां तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे कुझु गाइडलाइन ॾियणु चाहियो या उन्हनि खे सम्झाइणु चाहियो त मोस्ट वेलकम, असीं हिनखे वेलकम कंदासीं। असांजे लाइ मानर हूंदो त तव्हां हुननि खे गाइड कयो। सर सईद मकी साहब, तव्हांखे भरपूर तमामु वॾा माण्हू आहिनि, तव्हां विषय बि ॻाल्हायो त तमामु विषय में तमामु वॾा माण्हू आहिनि। ज़मीन ते रहंदो आहियां ऐं आर्टिस्ट आहियां ऐं मुंहिंजे लाइ इहा वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त मां हिते वॾे आर्टिस्ट सां मिलियो आहियां। ॾुखियो कमु मूंखे ॾिनो अथसि, ॾुखियो कमु मां त पोस्ट निकिरे ॿारनि जी एक्साइटमेंट मिली आहे। मां इहो अनाउंस करे इन ख़ुशी थो महसूसु कयां त तव्हां सभु जेके ॿार आहियो सभु करे वेंदो आहे। तकलीफ़ जंहिं महिल आहे हुन में जेके ॿारनि खे फर्स्ट कया रियली सभु एप्रिशिएटेबल, पर जीअं त कुझु पोज़िशन्स रखियूं वेंदियूं आहिनि हुनजे करे असां हुननि जो थोरो कैटेगरी ठाहियूं प्रेज़ेंटेशन जूं यूज़ करण जूं हुन हवाले सां जेकी ग्रेडिंग थी आहे उहा अनाउंस कंदो। ओवरऑल तव्हां जेके बि ॿारनि तकलीफ़ ठाहियूं जेको बि हुन पंहिंजो महिनत कई आहे स्किल्स जेके ॿार ठाहिया उहे सभु एप्रिशिएटेबल, उहे सभु मुंहिंजे लाइ घर में सभु वेंदो आहे। असां गॾिजी करे डॉक्टर साहिब मुख्य साहब ऐं असांजे अॼु सरगट में मदद कई टिनि जज साहिबनि वेनती कईसीं त मां उहो अनाउंस कयां थो तव्हांजे लाइ फस्ट का कया या थर्ड का अच्छा टीं जेको टीं पोज़ीशन जेकी आहे इहो ग्रुप फाइव थी वेंदो आहे। ग्रुप फाइव हिन में शुमिल आहेगा पोइ सभिनी खे अवॉर्ड रखंदा। सेकेंड जेकी पोज़ीशन आहे उहा मिली आहे ग्रुप फोर खे, ग्रुप फोर अलीशा। ऐं जेकी फस्ट पोज़ीशन आहे, जेकी फस्ट पोज़ीशन आहे उहा आहे ग्रुप टू जी। असां हिकिड़ी हुन में रिक्वेस्ट कई आहे त स्पेशल प्राइज़ ॿारनि खे एप्रिशिएट करण लाइ छो त पोस्टर थी वियो ग्रुप वन खे जेको आहे स्पेशल कंस्ट्रक्शन प्राइज़ ॾिनी वञे हुन में गुलनि जो बूटे जो जेको बि अमाउंट कया हुआ उहे असांजी रिकमेंड कया त जीअं ॿारनि खे कुझु हुन में एप्रिशिएट थिए। मां आर्ट जे हवाले सां मुख़्तसिर हेतिरो कंदुसि त हीउ शोभो अहिड़ो आहे जंहिंमें तमामु घणी माण्हू जी डेडिकेशन बि खपे, विदाय थो खपे ऐं हिकिड़ी ऑब्जर्वेशन बि खपे, परसेप्शन बि खपे। ॿार दुनिया जा सभिनी खां वॾा आर्टिस्ट हूंदा। असीं जंहिं हिसे ते पहुता आहियूं असीं सभु काशस ई ठाहींदा आहियूं, प्लान करे ठाहींदा आहियूं, पर नंढा हुआसीं त उहा जेकी असां में बेख़बरी में ऐं जे पावरफुल अंदाज़ सां एक्सप्रेस कंदासीं शायदि मां अॼु पाण ॾिसंदो आहियां पर माण्हू मूंखे एप्रिशिएट कंदा। मूंखे ख़बर आहे जेकी बेबाकी मूंखे नंढपण में हूंदी उहो शायदि मां ॿारनि में घणी आसानी थी न हूंदी। असांजे माण्हू जा न पोइ हीअ एज जेकी आहे हिन एज खे असीं पाण ई था डिप्रेस कयूं,
जो कम किया बार ऐ जो कुन निडो व्यास रिसाइकलिंग और मटेरियल को आए उन्होंने यूज कर ऐ उनमें जा कुछ लिमिटेशन से रिस्ट्रिक्शन से टीचर से मैनिफेस्ट हो तो ऐ बार के मान जो को हो तो अलग सा सूची दरा चाहिएगा उधर के फ्री है तो लाऊं हुआ स्कूल में तो जी चाहिए जो मुकाबले का आंसर आने का तो बार में ज्यादा प्रेशर था ऐ मुकाबला तो नहीं कभी और एक और ये मिले मिलता है जेके विषय विषय सब काबिल तारीफ है खास तौर पे जो ग्रुप बयो हो उन्हें जे कफास सा जे के तकनीक अंदा सा ए वाकई वो मटकीला जो के कम जे पड़े कार सा जे पर तमाम नन्ही शेव कार शी वजह देर से जी मिली पर मान जी बदक ठेल है और के जे अंदा सा ठेल है वो रियल एक वो आर्ट ऑफ पीस है इन अगर आप जैसे प्रिया सुनम का तो जाए इन किस्म मा समझे फोटो करना सब ही क्रिएटिव है पर जब काफी कोई तार मिलन अरे मटेरियल का जो तार के को जो पड़े ता पे बेसिकली वो माइंडसेट खाने को से देख पड़े तवा आर्टिस्ट के का अनुरोधन के ये उदय पड़े तो जेके शे से रति सब जो छु का समाज में का भी खराब पड़े इन में जेके शे नेचर से आयन कोई का भी शे हर शे पर्पस है पर असा जे मता रिपीट करे असल की यूटिलाइज की ना एवरेज के की का बेहतर तक की ना तो इंसान के बाहर सभी कायनात में आय अशुद्ध रूप का है और उन्हें के जो सेंस है एक्चुअली सेंस है जमाया इंसान में जाए है कमाल को रूप है उन जे कर ही जे के साथ ये रहने के लिए आया था समाज आज जरूर था या जे के सी का मुख्य सलाह किया समुदाय को था कि राइटर है पाजे शायर था कहानी था रिसर्च था तमाम घरे से गुदाए तो फनकार है पाजे मुसीकी सा सुर सा आवाज समझा है तो आर्टिस्ट पहले फन सा वन को मैसेज जरूर दी गई तो मैसेज का सवाल काफी शिल होता है कौन जो सेल्फ एक्सप्रेशन से लगे तो वाले पास से लगे थी पर हर बार जी हर मानव जी किसी अलग कायना था अलग दुनिया है अलग रंग है अलग खुशबू अलग महसूस आता है को मेरे मालूम करें कि ऐसा जो हम थे जा निशान ऐसा रखो मिले ये असा जे जहर जा असा तकलीफ जा असा जे एहसासन जा ऐसा भी ऐसा कबे पुदा कर ये चौनी जायवा ये फनान जलवा फनान जा कोई के जो नसामिया न मट्टा न जो न पोयवा हर बानो पाजे कद पुदा पाजे कम सा फजीले हासिल करे तो जदाई इन दुनिया में आ मारो आया होता जिन के फजीले को भी दुनिया पर तमाम वडा मारो होता जे गुना में भला है चंद मा होता तो दे हाने घोड़ा मा जो सिटे लिखी है तवा हर से गूगल से खोलो पिया हर मानो के शेयर भी हो पिया हर का ने मीडिया ने दबका न के चैनल ने दबका न के ये वित्त कर दबका तो पार को तो कभी गूगल का चलो बच्चे तो मान सी आ गए ऐवा से हली आई थी दुनिया में फिर दिख गई मां समझ तो जब अजय जे बाहर के मुझे इत्मान करे इत्मान करे उन के तेरी सलाह को जो भरपूर तरीके इत्मान करने को कर दो बशर्त ये वन में वजे तो एक बुधाए वजे का है लिमिटेशन है तेरी नेटनो मार बता हिसाब ले कर दो असा के एडिशन पेज स्कूल से उने में यो ते नेटनो बार टाइम के क्लास के टाइम जो करे तो चार को खाए का गाड़ी जो खाए एजेंट जो खाए हीरो जो खाए क्रिकेट जो खाए कार्टून जो खाए ए टाइम की तरह चित होने बेटा मुझे परमान टीचर को क्या मतलब बेटू डाउन पर एक टीचर टीचर ने पूछे थी छा तो कहे कि टाइम क्यों क्या चीज तो क्या बात कोई पूछे ही नहीं स्टाफ और एक स्टाफ चेयर बस रहा है यार जो मां जवा को उठा बाद में करो करियो ऐ को ने के बेटा ये आप पर बात सुन लेंगे शायद आपको कुछ समझ में आ जाए ये उर्दू में बात करता हूं तो क्लास में बच्चा बना रहा था तो टीचर आके उसको कहा स्टाफ ये क्यों बना रहे हो जहां बना रहे हो पता क्या के बना रहे हो अजीब तो मंदिर बना रहे हो क्यों बना रहे हो मैं कुछ काम नहीं दिया मैं अभी तो कहूं कि वो बना तो उस बच्चे को उसने लकीर बना के फिर पत्ते बनाए फिर फूल बनाए ये बना बस उस बच्चे ने उसको बड़ी गोबर से मेहनत से फूल बनाया फिर अगले दिन जो क्लास थी उसमें जो किया वो काम के तो वो एग्जाम करा था कुछ दिनों के बाद वो किसी फैमिली के शिफ्टिंग की वजह से किसी और स्कूल में गया ट्राई की गया फिर वही बच्चा पेपर पेंसिल लेके बैठा हुआ है और वेट कर रहा है टीचर जिस क्लास का थी मुझे रिश्ता बेटा क्या बना जो भी बना जी जो भी बना जी जो तुम चाहते हो बना वो कुछ स्कूल दूसरे उसका था स्टेडर का था
तो बच्चे को इतनी खुशी है, मैडम मैं अपनी मर्जी से जो आता है बना जी, जो आता है वो बना जी, मतलब मैं ये कार्टून बना वो बना, मैं जहाज बनाऊ गाड़ियाँ बना सब बना सका, एक ड्राइंग की क्लास है तुम सब बना सकते हो जो तुम चाहते हो। इतनी खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था, जब उसने बनाया तो वो फूल ही बनाया क्योंकि वो आठ मर चुका था, तो वो फूल उसको याद रहा जो उसके जहन में ख्वाहिश थी, इमेजिनेशन थी, विजुलाइजेशन थी, वो सारी क्लियर हो चुकी थी क्योंकि उसने उसको बंद कर दिया, स्टॉप का लफ्ज कह दिया। हमें अपने बच्चों में घर में स्कूल में उनको समझने की जरूरत है, उनको वैल्यू देने की जरूरत है। हमारा दौर अपना था, जीत का दौर है, हम अगर इनको रास्ता नहीं देंगे तो ये कलम से पूछेंगे भी नहीं क्योंकि इनको अब रास्ते मिल चुके हैं, ये आगे चल के अपनी मंजिल को ढूंढ लेंगे। अब वो सोच नहीं रहा कि अब बच्चों को आप ये फिक्स करें कि आपको इसके पाप में जाना है, ये शुभ में जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे काम देखा है और मुझे पता है इसमें कुछ बचे हमारे फाइनल स्कूल के भी हो सकते हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, और मैं उसको वेलकम करूँगा। ये जो काम है ये बहुत डेडिकेशन वाला काम है, बहुत साफ है। आर्टिस्ट जो काम करता है वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अलग हो जाता है जिसमें लालच होता है, जिसमें कन्वेंशन होता है, जिसमें और चीज़ होती है, रेस होती है। आर्टिस्ट एक नई तकलीफ में होता है और अल्लाह का नाम मुस्तमिल है, तो यकीन वो अल्लाह को पसंद जरूर होंगे। तो जितने भी शोबे हैं वो काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, और मैं सबके लिए दुआ हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज इतनी इज्जत दी है कि मुझे बड़े आर्टिस्टों से मुलाकात कराई, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारे धरती के गुरु के बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया, और मैडम खुद बात उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो तारीफ थी आपके सामने ये सारा प्रोग्राम किया है, हमें इज्जत दी है। मैडम से मुलाकात हमारी पहले भी फैशन हुई थी, उम्मीद है मुझे स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट्स के तमाम घो फायद होपफुली हि तो प्लेटफॉर्म पे खुले जी ओपन अप यू कैन विजिट ओवर देयर, यू कैन विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ सेल, यू कैन विजिट द वर्ल्ड ओवर देयर, कि आपको आइडिया हो कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप एक छोटे से अंधेरे वाले रूम में है अभी, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके लिए और दुनियाएं नज़र आएंगी, आप देखेंगे कि वहाँ क्या कुछ आपके लिए है कि अभी तक आपने नहीं देखा। तो जब आप वहाँ विजिट करेंगे होपफुली मुझे उम्मीद है, और मैं मुझे खुशी हुई कि इतनी सभी सिद्दीकी के गुजारिश करना सही ना मौके ते पंजे बारन सा गली ते मथे अचन उन्हनि जे लाइ बस वटि अजरक बुके ऐं कुझु वधीक आहे, पर हींअर पंहिंजे ॿारनि सां गॾु थियण लाइ मैडम तव्हांजी भरपूर तारीफ़ आहे।
पाण मेडल के प्रेजेंट कला असा सभी खिलाड़ियों ने जो आनंद आए अभी संसारी अकेडमी के तरफा मैडम जे लाए मोमेंट है थैंक यू सर थैंक यू सो मच तो सभी की मेहरबानी ता पने सीट से हेलो आई हाने मा डॉक्टर ईशा साहब के गुजारिश कदर सही नेवेट के हवाले सा बारन के हवाले सा के पाण शेयर कर चाहे जिन असा के इनवाइट कियो मैडम बिल्किस जो मैडम अमिता जो कई जे के असा जी जे टीम आ है सनी ग्रीन क्लब उन दा सपोर्ट आए पा मतलब जरे मो सा यो आईडिया शेयर कियो त रिसाइक्लिंग जे का है उन मटेरियल मा सा वट करी आर्ट जो शेयर था उन एग्जीबिशन कदा से वो दाडो सपोर्ट है ऐ वरी जरे मा उन का पूछो ऐना आर्ट एग्जीबिशन जो मौजू चाहे तो उन जने मौजू की जाए तो फोनिक्स आर्ट एग्जीबिशन ऐ फोनिक्स आर्ट एग्जीबिशन जने मौजू है तब पान हैरान किए तो हिक आर्ट एग्जीबिशन जो के तो आर्टिस्टिक नालो फोनिक्स ये तो पक्की थी दो आए जने आई मीन मतलब लगा भी नहीं सके थी मिठावाजी भी नहीं सके थी तो वो जने ओड़ो थी वो आए तो वो कखन पे वही वही रहो और उते पाणा ही उने में आग लगी हो गया बाह करी दे दिया ऐ सब सड़ी रखन पे दो आ वही उने रकम आए तो नो कॉनिक्स पे लग दो उन आईडिया के सही के तो एक इंसान के लिए चलो वो के नाल सुटो लगो ऐ पाणे में जो असा कम बिठो आ तमाम बेहतरीन आ तमाम सुटो आ ऐ आर्ट ये पैदा थी दिया है जे सही मंगे जो अबाड़ा रिश्ता होता है इंजेंस होता है एंड वन जिन एजेस पर जेके सुठा मुसब्बत ही खराब होता है एंड वन केयर वो इंकरेज करने की जरूरत होती है जे को आसानी के लिए मिला हुआ है बाकी माँ बारी जे को साहब आए या जे को आसान जो दोस्त बेरान यूनिवर्सिटी जो आए तो माना कहाँ ये दोस्त के लोगों ने डिसेमिनेट कर हुआ है जो आ डिसेमिनेशन अज वरी ये हम जैसे मिनट थे थी यो एको ये पाजी कारण वाली बात है इन जाता मुबारक मुबारक को मां ये तो ग्रीन क्लब के जरूर यूज जिन एक नई आईडिया खड़ी इन का आगे भी देख रहे का मतलब होता जरूर कंदा जरूर जे के असा के को खबर पा दी पर मुख्य खुशी ये है तमा हाने टीम जो सुहाना ऐसा बैगा अंदर से सब का सुची गाल यह है तो सपला जे जे ला सब सदा ही तो नेगेटिव पास से होगा तो पॉलिटिक्स कर दिया है पर आज मुस्बत का होने है कि गंगा आए राजा साहब आ रहे हैं बाहर टाइम ना होता तो टाइम घणो थिया पर खबर है तो बाहर जो गाड़ी अच्छी हुई हो और वही भी छुट्टी हो गई तेजे करे ताज वजह बने के ना ताज बने बने मेहरबानी अल्लाह पास में थैंक यू सो मच फॉर द प्रोग्राम तमाम जिको खेल हो जाता है ऐसा कि घरों को इस करना है पर टाइम अगेन छाटे जब टाइम से करें शायद कि थोड़ो समय का लाभ क्या हो जो ये रवा मैडम सदर के जवाना से जब पहले जेबेट के हवाले सानी को तो जब इवेंट लिटो होता है ना में के छा नजर आए हुआ है ये पार्ट भी कभी कुछ जवान चाहे ने तो वो अचल है अजीब बारह के कुछ सजेशन या चाहे या उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन रही है रिगार्डिंग दिस ग्रीन फिल्म रिगार्डिंग दिस आर्ट एग्जीबिशन सो मैडम सदर इन लगे में शामिल थे और लाए अं स्टूडेंट्स की
में मैडम आपदा अर्थी मैडम हमीदा मल्ला और मैडम सोनिया पहिया ने वादारी लायक है शागिर्दन की टीम जिनमें सलाहित में भरपूर इजहार तकनीकी सलाहित में भरपूर इजहार जिन्हें अना भी मजीद पॉलिश कर जरूरत है से जस्ट न सो थैंक यू सर तुम साथ रहो वाजी तमाम खूबसूरत बनाया कायनात जो रंग जो खुश रुहानियत उनकी खूबसूरती है वह इंसान जात में समाई इंसान अशरफुल मखलूकात वो चाहे तो बंजर जमीन के साथ सब चादा बनाए छे वो चाहे